बताने वाले केआरके उर्फ कमाल आर खान अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। वो बॉलीवुड स्टार्स पर तो तंज कसते ही हैं, साथ ही कई बार ऐसी बात भी कह जाते हैं कि लोग हैरान होने के साथ ही उनकी फटकार भी लगा देते हैं। अपने रिव्यू और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले केआरके सलमान खान, मीका सिंह और मनोज वाजपेयी के गुस्से का शिकार तो बन ही चुके हैं। कुछ महीने पहले ही वो जेल से जमानत पर बाहर आए। अब हाल ही में केआरके ने शाहरुख खान के साथ साथ उनके फैंस पर निशाना साधा। बता दें कि केआरके लगातार शाहरुख की पठान की आलोचना कर रहे हैं और इस फिल्म को अभी से फ्लॉप बता रहे हैं। इन दिनों लगातार वो पठान पर रिएक्शन दे रहे हैं और शाहरुख की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब केआरके ने शाहरुख के फैंस का भी मजाक उड़ा दिया। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, बेचारे शाहरुख खान के फैंस, आप लोगों की किस्मत में सिर्फ हार लिखी। 25 जनवरी को फिर हारोगे, हारने के बाद रोना आएगा, रोते रोते मुझे गालियां देना, मैं जोर जोर से आपकी किस्मत पर हंसूंगा। बता दे कि इससे पहले ही केआरके शाहरुख पर भी तंज कस चुके हैं। उन्होंने शाहरुख पर निशाना साधते हुए लिखा था, खबरों के मुताबिक शाहरुख खान मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बेशर्म रंग में ज्यादा अंग प्रदर्शन होने का सच बोला था। आप यहाँ मेरे गाने पर रिव्यू देख सकते हैं और बता सकते हैं अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। केआरके यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शाहरुख खान का नाम लेते हुए पठान के फ्लॉप होने या ना होने की बात कही थी। केआरके ने लिखा था, अगर शाहरुख खान को लगता है कि उनकी फिल्म पठान फ्लॉप हो जाएगी सिर्फ मेरे रिव्यू की वजह से, तो बता दूं कि वो गलत है। उनकी फिल्म इन तीन कारणों की वजह से फ्लॉप होगी, पहले तो गलत नाम के कारण, दूसरा एक जैसी स्टोरी और एक्शन की वजह से, और तीसरा पब्लिक के द्वारा बॉयकॉट करना। अगर वो मुझसे इस फिल्म का रिव्यू करने से मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। बता दें कि जब से पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ है तभी से शाहरुख की फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। भगवा बिकिनी में दीपिका को देख कई लोगों की भावनाएं आहत हुई। अब सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म में बदलाव करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि गाने से दीपिका की भगवा बिकिनी वाले सीन को हटा दिया जाएगा। बता दें कि फिल्म में शाहरुख और दीपिका के अलावा जॉन भी हैं, जो फिल्म में विलेन के रोल में दिखाई देंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विरोध के बीच 25 जनवरी को रिलीज हो रही पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।